अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। आज हम इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बेसिकली तीन फंक्शंस होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। सबसे पहला पार्ट होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो इसमें जो बेसिकली फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस को फेस करना पड़ रहा होता है, वो हेल्पफुल होता है। इन वेजल्स के अंदर, रेनल वेजल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इन प्रेशर से क्या होता है कि इतने प्रेशर से जब ब्लड आता है तो ब्लड सेल्स के अलावा, ब्लड सेल्स चूँकि बड़े होते हैं तो उसके अलावा इतने प्रेशर से जो वाटर, यूरिया है और बाकी सॉल्ट्स वगैरह और शुगर्स हैं, वो इस ग्लोमेरुलस जो है से सीव होके, ठीक है, वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। तो जो ओवरऑल आपको ब्लड सेल्स के अलावा बाहर प्रोडक्ट मिला है उसको कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये वुमेन कैप्सूल में चला जाएगा, वहाँ से देन ट्यूब्यूल्स में मूव करेगा। अब मसला ये है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ साथ कुछ आपके जो सब्सटेंस जो आपको चाहिए आपकी बॉडी का, वो भी साथ आ जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, ठीक है, और वाटर। अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे वाटर बहुत कम है तो आपके लिए पानी का एक एक ड्रॉप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे में किडनी के थ्रू वाटर जो है वेस्ट हो जाना, डेट इज़ वेरी क्रिटिकल। तो किडनी जो है इसके लिए नेक्स्ट स्टेप करती है रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। मैक्सिमम वाटर जो है किडनी अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर इसका ये पार्ट आप देखें लुपोफेनले, तो इस पार्ट में मैक्सिमम जो है वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा कुछ सॉल्ट, ठीक है, और शुगर्स जो हैं, प्लस ये जो ऊपर ट्यूब्यूल्स आपको नज़र आ रही हैं, इनकी हेल्प से भी जो है वाटर और जो है मिनरल्स और ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है वो कहलाता है सिक्रीशन। इसकी जो निफ्रॉन है, इसकी वॉल्स, एपिथेलियल वॉल्स होती हैं, ठीक है, ये एचाइन से सिक्रेट करती हैं ताकि यूरिन जो है उसका ब्लड पीएच जो है यूरिन की उसको बैलेंस किया जाए, ठीक है। नेफ्रॉन जो है इसका बेसिकली जो है सिर्फ यूरिन प्रोडक्शन जो है उसमें नहीं, एक्सक्रीशन के साथ साथ ये होमियोस्टेसिस जो है उसमें भी, यानी ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि आपके पास वाटर कम है तो आपके पास जितना वाटर है उसको बचाना है आपने, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, किडनी के पास जो है इतनी कैपेसिटी होती है कि 99.5% जो है वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। जब आपको ज़रूरत है वाटर की तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो क्या करेगा कि आपकी बॉडी जो है उसको, हाइपोस्मोटिक फ्लूइड है तो उसमें जो है मैक्सिमम जो है उसमें रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी पानी मैक्सिमम है अगर, तो इसकी प्रोडक्शन स्टॉप करवा देंगे। जब ADH नहीं होगा तो इतना ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और आपका यूरिन भी उतना ही डाइल्यूट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैकेनिज्म जो है जो इसको वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करवाता है, डेट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, इसमें यहाँ पे कैपिलरीज आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो वाजा रेक्टा कहलाती हैं, लोपोफेनले के गिर्द हैं। इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है तो कैपिलरी ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों जब ऑपोजिट साइड पे होंगे तो मैक्सिमम वाटर ये अब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो काउंटर मीन ऑपोजिट, करंट मतलब बहाव, मल्टीप्लायर यानी बढ़ता जाता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि जैसे जैसे नेफ्रॉन में से फ्लूइड कॉर्टेक्स से मिडल्ला की तरफ मूव करता है, वैसे वैसे वो उसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो कंसंट्रेटेड ज़्यादा होता जाता है। इसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इसके अलावा वो हार्मोन्स भी हेल्प कर रहे होते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो है डेट इज़ एल्डोस्टेरोन, ठीक है, जो लुपोफेनले में से मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, ठीक है। ये एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस कहाँ होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यानी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होते हैं उसका नाम होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके अंदर एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सेकेंडली जो हार्मोन यूज़ होता है डेट इज़ ADH, अभी जैसे मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये आपके ब्रेन के अंदर पोस्टीरियर लोब, ठीक है, ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। और ये क्या करता है कि मैक्सिमम आपको अगर जितना एब्जॉर्ब करना था वाटर हो गया, लेकिन अभी आपको मज़ीद ज़रूरत है वाटर की, तो ये हार्मोन जाता है कलेक्टिंग डक्ट में से भी
पानी को बाहर निकाल लेता है, यानी मैक्सिमम मैक्सिमम वाटर को डीअब्जॉर्ब करवा देता है। इस तरह किडनी जो है वो ना सिर्फ एक्सक्रीशन बल्कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प आउट करती है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।